राधा राधा, अरे अरे आप आ गए? ये कौन है? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कॉलेज की फ्रेंड टीना। ओ अच्छा, तो हाय, यही टीना। हाय, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? हम ठीक हैं। अच्छा तो ये वही टीना है ना? हाँ, बताया तो था मैंने तुम्हें काफी बार। कॉलेज की फ्रेंड? हाँ रे, काफी इन्होंने तुम्हारी तारीफ कर रखी है। टीना ये, टीना वो। सच में? बस तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती थी। अच्छा, हाँ चलो, ये तो अच्छा हुआ, आज मुलाकात हो गई। अब काफी टाइम बाद बाहर से आई तो मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि एक बार घर ले चलूं। और शादी वादी की या नहीं? शादी अभी नहीं। अच्छा अच्छा, सोचूंगी शादी के बारे में। हाँ हाँ हाँ, तो अरे चलो ना घर के अंदर चलो। राज चलो नाश्ते के लिए कुछ समोसे मुझे ले आओ। हाँ हाँ, मैं लाता हूँ। ठीक है ना, तुम बैठो टीना। ठीक है, चलो आओ टीना, आओ टीना बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय लेकर आती हूँ। ठीक है, चाय अभी नहीं, बैठो, तो काफी अच्छा बना रखा है। अच्छा बैठो, बाद में पीते हैं ना चाय। पानी से भी राजा जाएगा तो राज के साथ पी लेंगे। चलो ये भी ठीक है। और बच्चे कहाँ? राज के बच्चे स्कूल गए, बस आते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताओ राज तुम्हारे साथ में अच्छा तो रहता है ना? हाँ, मैं भी वही पूछना चाहती थी। बस मतलब क्या बताऊँ, टीना को समझ में नहीं आता। समझ राज राज को पता नहीं क्या हो गया, इतनी कलेस हो रही है घर पे कि देखो कलेस? तुम तो अपनी हो ना टीना, तुमसे क्या छुपाना। अच्छा एक बार बताओ, राज की ज़िंदगी में कोई लड़की थी या है? राज किसी से लड़की से बात करते हैं? नहीं, मैंने तो राज के साथ में किसी लड़की को नहीं देखा अभी। नहीं, उसकी ज़िंदगी में किसी को देखा मैंने? कॉलेज में कोई लड़की या? कॉलेज में जिस टाइम मैं कॉलेज जाती थी उसके साथ में, तब तो उसके मतलब कोई किसी से मतलब ही नहीं था। वैसे फ्रेंकली रहता था हर किसी के साथ। नहीं, लड़कियों के प्रति मतलब उनका इंटरेस्टेड थोड़ा ज़्यादा या किसी कोई ऐसी कोई लड़की? हाँ, लेकिन इतना नहीं। टीना कोई लड़की है जो राज की ज़िंदगी में है और हमारा घर टूट रहा है, बहुत ज़्यादा कलेसें हो रही हैं और राज उस लड़की से प्यार करता है, मतलब मुझे शक है। सारी ये बातें पता है? हाँ, मुझे सुना है उसे बात? हाँ मैंने सुना है, उससे बातें होती हैं, उसके मैसेज पढ़ा है, मैंने फ़ोन देखा है उसका, बाई चांस वो खुला रह गया था लॉक, मैंने देखा था, वरना वो लॉक लगा कर रखता है। और मैंने उसको काफ़ी बार भी देख लिए, कॉल भी मैंने उसको काफ़ी बार बोला है। एक बात बताओ, उसका नाम पता है लड़की का? नहीं टीना, मुझे नाम कहाँ पता है, बस वो क्या क्या था, हाँ जान के नाम से सेव कर रखा है। जान के? हाँ, मैं सारे मैसेज पढ़े हैं और किस देना लेना, मतलब बहुत कहानी आगे बढ़ गई। बताओ मैं क्या करूँ टीना? ये तो ज़्यादा ही कहानी आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। उस लड़की को पता नहीं है कि ये शादीशुदा है, राज छोटे छोटे दो बच्चे हैं, बीवी है। हो सकता है पता हो, और ये भी हो सकता है नहीं भी पता हो। क्या बताऊँ टीना, राज हर रोज़ तो ड्रिंक करके आते हैं। ड्रिंक करके आते हैं, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मुझे पीटते हैं, मारते हैं, और कुछ भी बोलो सीधे मुँह मुझसे बात करते ही नहीं है। लेकिन राज ने तो कभी ड्रिंक मेरे सामने करी भी नहीं, नहीं पहले करता था वो कभी, लेकिन इस वक्त करने लग गया क्या? खूब करते हैं, खूब करते हैं वो, तब मुझे नहीं पता, तब नहीं करते थे, और शादी हुई थी तब तक भी नहीं करते थे। ये पता नहीं इनको हो क्या गया है, इतना ड्रिंक करना, मुझे मारना, पीटना, गालियाँ देना, मुझे मारता भी है। बिल्कुल मारते हैं मुझे, मैं क्या करूँ, कुछ तो बताओ मुझे। मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है भाई। मुझे अपना घर संभालना है टीना, मैं बहुत परेशान हो गई इस आदमी से, बहुत ज़्यादा। तो तुम क्या करना चाहती हो फिर? और मैं, मुझे एक तरफ तो ये खुशी हो रही है कि तुम बहुत सही टाइम पर आई हो मेरे घर, तुम शायद हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मैं इन सारी बातों से किससे शेयर करूँ, किससे कहूँ? ये सारी बातें किसे कह भी नहीं सकती हो। मुझे कुछ तो सजेशन दो, कुछ तो बताओ टीना, क्या करूँ मैं? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारा दोस्त है वो, तुम उससे बात करके देखो, पूछ के देखो क्या कहता है। मेरा नाम मान लेना बस, ठीक है? ठीक है, कि मैंने ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, मैं राज से बात करके देखना बात। अरे राज तुम्हारे है, चलो आप दोनों बातें करो बैठ के, मैं चाय बना कर। हाँ, ठीक है राज। हाँ। तुम तो अपनी बीवी के बारे में इस तरीके से मुझे बताते हो कि मेरी बीवी ऐसी है ऐसी है, ठीक है, तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। अच्छी? हाँ यार, कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा है? लग तो नहीं रहा, लेकिन तब से मैं बातें कर रही हूँ तुम्हारी बीवी से, लेकिन देखने से मुझे यही लगा कि तुम्हारी बीवी अच्छी है।
उसमें कोई कमी नहीं है। तुम भी आ गई उसकी बातों में। मैं बातों में नहीं आई, तुम उसको मारते हो, पीटते हो, उसे गालियां देते हो, और ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करके उसे मारते हो। ड्रिंक करता हूं? हाँ। किसने कहा ये सब? तुम्हारी बीवी ने। झूठ बोल रही है, एक मिनट, वो एकदम झूठ बोल रही है, बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में झूठ बोल रही है। साफ बात तो ये है कि वो मेरे कपड़े फाड़ देती है, हा? जब चाहे, जब गरेवान पकड़कर मुझे जब चाहे जब मारने की कोशिश करती है वो। तो मैं, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ना हूँ तो मुझ पर कब का हाथ छोड़ चुकी होती। ये सारी बातें छोड़ो, एक बात बताओ, तुम रात के 2-2 बजे तक बात करते हो, किससे बात करते हो? तुझसे ही तो बात करता हूँ। 2 बजे तक तू बात नहीं करती तो और कौन बात करता है मुझसे? अरे हाँ, तुम तो मुझसे ही बात करते हो। हो गई बातें। मैं कितना समझा रही हूँ, तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों करते हो? 2-2 बजे किस लड़की से बात करते हो तुम? अरे क्या बक रही हो तुम? हाँ, मैं किस लड़की से बात करता हूँ और वो भी रात के 2-2 बजे तक? मैंने कब कहा था टीना? तुमने बोला तो था राधा। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बोला। अच्छा चलो, चाय लो, चाय ठंडी हो जाएगी। आप भी नाराज क्यों, इतना दिमाग गर्म कर लेते हो, चाय पियो। और समोसे? अब समोसे ठंडे थे ना, तो वो अवन में थोड़ा गर्म करने के लिए रखते हैं, मैं लाती हूँ। तुम्हारी बीवी है, गन चक्कर बात पलट गई। इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था। अब तुम्हें पता लग गया ना कि कौन सही है कौन गलत है। कुछ भी सही राज, एक औरत औरत ही होती है। औरत औरत ही होती है? तू भी उसी की भाषा बोलने लगी एक मिनट में ही। अरे राज, कम से कम अपने आप को कुछ समय तो दिया होता। राज बाबा ठीक है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। और भेजो। किस किस भेजो भेजो, कितनी किस कंडी है? हाँ, अरे यार, उसको अरे यार ऐसा कुछ मुझे दिखाओ भी। क्या दिखाऊं? फोन खोलो, लॉक खोलो फोन का, लॉक खोलो फोन का। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लॉक खोल फोन का। अरे यार, फोन खोल, लॉक का, लॉक खोल जल्दी। अरे मैं तेरे गला दबा दूंगी। फोन लॉक खोल। कहीं फोन को ओवर एक्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ है फोन? ये ले फोन चाहिए ना तुझे, ले फोन और दूँ फोन। तूने मुझे मारा? हाँ। मुझे मारा? हाँ मारा। मार 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 और मार और मार, मार ना। बेशरम औरत को मारकर भी कुछ नहीं होगा। अभी रुक जा तू, अभी बताती हूँ तुझे। जिंदगी खराब करती है साली। ये ले बैग और निकल घर से। बैग? निकल, पागल हो रही है क्या? जिंदगी हराम कर रखी है, पकड़ इसको अभी, निकल जा अभी। मेरे घर से मुझे ही निकाल रही है? हाँ, ये मेरा घर है, मेरा मेरे बच्चों का घर है। जल्दी निकल, मैं तेरी शक्ल भी ना देखूं। अरे यार तू, ये कॉलोनी वाले क्या कहेंगे यार, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तो सही होना चाहिए तेरा। अरे बाहर में गए कॉलोनी वाले, निकल यहाँ से। आया बड़ा लूका पट्टा। शिवम। और कौन? अबे तू राज, अबे इतनी रात गए तू क्या कर रहा है, और ये बैग लेके? अरे कहीं जा रहा दिखे? तेरे पास आ रहा था मैं। मेरे पास आ रहा था? तेरी उस चांडालनी भाभी ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अरे तो तूने कोई ना कोई ये कोई गलत काम किया होगा। बता रहा हूँ क्या किया था मैंने, उसने मेरा गरीबान पकड़ा, बे इंतहा मुझसे बदतमीजी की, हर तरीके की बात की, कुत्ता कमीना सब कुछ कहा। मैंने एक हाथ एक थप्पड़ मार दिया। हाँ, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे, अब नहीं बचा सकता। यार मेरा भी तो कुछ है, मैं एक मर्द हूँ यार, कम से कम मर्द की तेरा मेरा थोड़ा सा बिहेवियर तो रहने दो। कब तक मैं अपने गरीबान को पकड़वाता रहूं? और भाभी जी ने क्या किया? भाभी जी तेरी दुनिया भर का मुझे गरीबान पकड़ कर पूरा झकझोड़ दिया, ऐसे करके मेरा गला घोटने की कोशिश की है। वो तो सही समय पे मैं अगर थप्पड़ नहीं मारता तो मुझे मार दिया होता, गला दबा दिया था मेरा बुरी तरह, कब की मेरी जान निकल चुकी होती, सुबह तुझे घर पे अर्थियों के फूली बले लाने पड़ते। अरे यार तूने एक महिला पे हाथ उठाया है। महिला गई तेल लेने, और जो महिला हाथ उठा रही है उसका मैं क्या करूं? अब तू अपने घर में जगह दे रहा है या नहीं दे रहा रात भर के लिए? भाई मैं तो दूंगा ना। चल अंदर, बकवास मत कर मुझसे। शिवम, ए शिवम। कौन? भाभी जी प्रणाम।
प्रणाम, मुझे देख के चीख क्यों निकल जाती है? इतनी सुबह सुबह आप इसलिए चीख निकल गई? आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे धरना देने के लिए? राज आए हैं यहाँ पर, देखा है उनको? राज नहीं देखा। अगर आ भी जाए ना तो बोल देना घर से अपने कपड़े उठा के ले आए। क्यों, घर से निकाल दिया गया आपने उसे? मैंने निकाला इसलिए, मुझे रात मार पीट के आए वो, थप्पड़ मारा मुझे। थप्पड़ मारा? हाँ। अब तो वो नहीं बच सकता। और आप एक बात बताइए, मेरे होते हुए कचहरी में आप दूसरे वकील के पास क्यों गई थी? क्या करती मैं? तुम तो उनके दोस्त हो, तुम तो उन्हीं का फेवर लोगे। नहीं, इसलिए मैं गई दूसरा वकील करने के लिए। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, देखिए ये घर घर की बातें हैं, इनको सुलझाइए। बातें सुलझने के तादाद पर नहीं है, अब सब कुछ खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है। मेरे घर में आग लगनी थी, लग चुकी है। वो उस इंसान को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। आ जाए तो बोल देना कपड़े वपड़े रहेगा ले जाए अपना निकाल के। वो हराम ज्यादा आ जाए ना तो बोल देना उसको कि मुझे उससे तलाक चाहिए, तलाक तलाक तलाक। भाभी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, सुलझाइए घर घर की बातें। अरे तुम तो उनकी हिमायत लोगे, क्योंकि जैसा वो गुंडा बदमाश ऐसे उसके दोस्त। भाभी जी ऐसा कहाँ के शरीफ होंगे? अरे मैं शरीफ हूँ, मैं वकील हूँ, मैं पीछे से एक वकील हूँ। किधर से वकील हो? मेरा तो केस लड़ा नहीं, कहाँ से वकील हो? मैं कचहरी से वकील हूँ भाभी जी। ऐसा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बोल देना आ जाए तो। और मेरी बद्दुआ है, बद्दुआ एक औरत की बद्दुआ लगती है, कीड़े पड़ के मरेगा वो उल्लू का पट्टा। ऐसे मत बोलिए, कीड़े पड़ेंगे उस चुड़ैल की डोंग में, उसको तो मैं छोड़ूंगी जिससे उसका चक्कर चल रहा है। अरे भाभी जी बस करिए, आइए चाय पीती जाइए, थोड़ी चाय मीठी सिर पे डाल दो, चाय सिर पे उगलने दो मेरी चाय। बोल देना उसको जा रही हूँ मैं। मैं चलता हूँ। राज, राज अबे तू पर्दे के पीछे क्या कर रहा, छुपा हुआ? दिखेगा अब? दिखेगा नहीं, कहीं कुछ अंदर नहीं। अरे वो कहीं, अबे इतना बुरा बुरा कह रही थी यार, आज तक मैंने कभी नहीं सुना इतना बुरा बुरा। भाई तू बता, तू सुन के परेशान है, मैं तो भुगत रहा हूँ यार। अरे बताओ यार, ये तूने क्या कर डाला यार ये? अरे कुछ नहीं कर डाला यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना कुछ किए ये सब सजा मिल रही है। इसका मतलब तूने दोबारा बातें करनी स्टार्ट कर दी होंगी उससे। तो यार टीना से तो मैं बात करता हूँ, मैंने कब मना किया? वो इसीलिए आई है कि तेरा फोन अभी स्विच ऑफ होगा, क्योंकि रात को तूने बातें की हैं, चार्जिंग पे लगा रखा है। बस वही वाली बात है, क्योंकि उनको शक हुआ मेरे घर पे होगा। वो तो मैंने सही है कि मैंने मना कर दिया, नहीं तो वो अंदर घुस के तुझे कूटती। देख आज आज की बात है, मुझे आज आज कैसे भी इस घर में रख ले, उसके बाद मैं अपना अरेंजमेंट कहीं ना कहीं कर लूँगा। ठीक है भाई, मैं रख तो लेता हूँ, तू हमेशा इस घर में रह यार, तेरा घर है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर के तो फिर साथ में आपको यहीं बुला लूँ। तू मुझे पटवाएगा, पागल हो रहा है? तेरे रहने के लिए जगह है टीना से, तू भाई अगर टीना के साथ रहना चाहता यहाँ से निकल। अरे चल क्या हुआ राधा, क्यों बुलाया मुझे? मैंने निकाल दिया उसको घर से। राज को? हाँ, क्या करती मैं? मुझे थप्पड़ मारा उसने, टीना थप्पड़ मारा? हाँ मुझे मारा, मैंने निकाल दिया उसको घर से, पता नहीं कहाँ है। उसका वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, वो वकील जो है शिवम है, क्या नाम है, वहाँ भी गई थी, वहाँ भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ है। उसके यहाँ भी नहीं है? नहीं है। क्या करती टीना? लड़ाई किस बात में हुई टीना? सारी लड़ाई बस वही है जो लड़की है, और वो कौन है मुझे एक बार पता चल जाए बस, उसके मुँह पकड़ के जो नोच खाऊंगी मैं, मुझे पता चल जाए वो लड़की कौन है। देखना टीना, मेरा श्राप लगेगा, कुत्ते की मौत मरेगी, कीड़े पड़ेंगे उसके, अरे गल गल के मरेगी वो। राधा ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे क्यों ना बोलूं? अरे किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरी आत्माओं की बद्दुआ है। अरे नहीं, तड़प तड़प के मरेगी वो। अरे छोड़ो ना उसे। क्या छोड़ू, उसने मेरे घर में आग लगा रखी है। उस लड़की की तो कोई कमी है ही नहीं, राज की कमी है सारी। कमी नहीं है उसकी? अच्छा, मेरा राज पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं उस चंडालनी ने क्या कर दिया। मरेगी जल जल के मरेगी, मेरे बच्चों की हाय लगेगी उसको, देखना तो। उनकी कोई कमी नहीं, वो बेचारी वो क्या कर रही है, अगर राज उसके पास नहीं जाएगा तो लड़की थोड़ी ना उसके पास आ जाएगी। अरे उसमें कमी है उस लड़की के ना, मैं तो ये चाहती हूँ उसके मुंह में कैंसर हो जाए, बदसूरत हो जाए, उसके मुंह में तेजा फेंक के मारूं। नहीं नहीं नहीं, इतना बुरा क्यों बोलती हो तुम? एक औरत हो और दूसरी औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी तो एक औरत है, तो उसको समझना चाहिए, दो दो बच्चे के अब्बा से दिल लगा के बैठी है वो, तो उसकी क्या कमी है? कमी तो तुम्हारे पति की है ना। पति की कमी है, पति को तो मैं दे रही हूँ ना सजा, साथ उस कमीनी को मैंने सजा देने से क्या फायदा।
वो सब कर रही था। टीना तू बस एक काम कर दे, उसे मेरे सामने ले उस लड़की को, उसे मैं नोच के खा जाऊंगी। मैं उस लड़की को नोच के क्यों खाओगी? टीना तुम्हें नहीं पता, इससे पहले एक लड़की और थी, अब वो सुन लो हा? बड़ी मुश्किल से फंद काटा है वो, मैं ही जानती हूँ कैसे फंद कटा है उससे। उससे पहले एक लड़की और थी? अरे उसे नई नई चस्के चाहिए, मैं नहीं चाहिए उसको। इसका दो दो बच्चे पैदा करके मुझे तो छोड़ दिया उसने, अब मैं उसके लायक नहीं हूँ। अब उसको नई नई आइटम चाहिए, नई नई लड़कियाँ चाहिए उसे। हाँ नई नई आइटम चाहिए उसे, नई नई लड़कियाँ। उस लड़की से पहले भी एक और लड़की थी? मुझसे कभी नहीं पूछता कि तूने खाना खाया या नहीं, राधा तूने पानी पिया या नहीं। अच्छा? रात को मैसेज करता लड़कियों को, बाबू तूने खाना खाया ही नहीं, पानी पिया नहीं, चाय पी नहीं, नहीं। और फोन पे कहता है राज मेरा बाबू है, मेरा सोना है। अच्छा? मेरी जान है। ऐसे बाबू के पछवाड़े में डंडा दे दूं मैं? नहीं नहीं, उसका मुंह में डंडा दे दूं? नहीं, नहीं। गुस्सा आती है, मैं क्या करूं टीना? सच तू क्यों ऐसा मुंह बना रही है? उसको राज को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अरे नहीं तो मैं तो उस लड़की को बोल रही हूँ ना, राज की गलती है सारी, लड़की की क्या गलती है? राज की नहीं है। ना ना ना, राज की गलती नहीं है, वो चांडालनी की गलती है सारी। वो राज को चुंगे जा रही है, 5,000-5,000 रुपए की शॉपिंग करा था, पता नहीं क्या खाती है, सोना खाती है, चांदी खाती है। शॉपिंग? वो आग लगा रही है मेरे घर में, 5,000 की? हाँ, वो खोखला कर रही है मेरे घर को। वो क्या खाती है ऐसा? मुझे क्या पता क्या खाती है, कभी पूरी सैलरी मेरे हाथ में आई? आज तक नहीं आई। और जब भी पूछती हूँ कि मेरे खर्चे, मेरे पर्सनल खर्चे। अरे वो राज ही खर्चा करता होगा। अरे नहीं, खर्चे उसने दिमाग घुमा दिया मेरे राज का, उसके जादू टोने में आग लगाऊं उसके डाइनिंग के। अरे वो क्या जानती होगी जादू टोना करना? अरे मुझे क्या पता क्या करती है वो, मेरे राज को मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चों से, एक बाप को छीन लिया। एक ना टीना, मेरे बच्चों की हाय लगेगी, कुड़कुड़ के मरेगी वो, क्यों ससुर के मरेगी, कुत्ते की मौत मरेगी वो। अरे इसमें लड़की की देखो कोई गलती नहीं है राधा, तुम तो सब बिगड़ बात के कोस रही हो। टीना तुम मेरी सुनने आई हो या उस लड़की की तरफदारी? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है वो लड़की। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ सारी गलती राज की है। अगर राज उसके पास नहीं आएगा तो लड़की क्यों उसके पास आएगी? तुम्हें नहीं पता टीना, वो उसी चांदाली के घर में होगा, वही होगा। नहीं नहीं, उसके वही रंगोलियां मनाई जा रही होंगी टीना, मैं क्या करूं, वही चोच से चोच मिलाई जा रही होगी। अरे नहीं, उसके घर नहीं होगा वो। अरे वो वही होगा, मुझे पता है। तुम जरा फोन करो अपने फोन से। फोन तो मैं घर छोड़ आई, भूल आई घर, फोन नहीं है। मैं क्या करूं, मैं किसकी मदद लूं, क्या करूं, मैं कैसे करूं? मैं मदद किसकी लोगी, किसी की मत लो टीना। अभी महीना आ रहा है, राशन पानी सारा खत्म हो गया, मैं कहाँ से करूँ, इन बच्चों का खर्चा कहाँ से, स्कूल की फीस भरनी है, इनकी स्कूल छूट जाएगा, क्या करूँ मैं? मेरा दूसरा खसम रखा है, उसकी तरह मैं भी खसम कर लूँ? हाँ? दो चार जो मेरे बच्चों का खर्चा चलाता रहे। ऐसा ही करो। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम टीना मुझे थोड़ा पता करो, वो कहाँ है, वो घर तो भी आ जाए। तुम ऐसे आदमी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अरे मेरे बच्चों का बाप है, निकम्मा आदमी है, मेरे बच्चों का बाप है टीना, वो बाप ऐसा कहे, लेकिन क्या बाप का फर्ज निभा रहा है वो? वो एक बार आ जाए घर, आ जाए और ड्यूटी चला जाए। हाँ। मैं उसको तो गिन गिन के बदले लूंगी, उसे जब देखूंगी फिर मैं तो अब ये जा रही हूँ कि वो कहीं भी मुंह काला करे, कहीं भी मरे, किसी से भी चक्कर चलाए। हाँ। बस घर में खर्चा पानी के लिए पूरा पैसा देते रहे, ये बच्चों का और अपने कहाँ से करूँ? अच्छा, पैसा देते रहे तो कोई मतलब नहीं। हाँ, करता रहे, कर अपनी मनमानी, मैं कहाँ तक करूँ टेंशन, कितनी टेंशन लूँ? और मैं क्या कमी है मुझमें, मैं क्या खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, कोई कमी नहीं है, मुझे भी दो चार मिल जाएंगे, मैं भी ढूंढ लूंगी। हष्ट पुष्ट इतनी एकदम गोल मटोर, एकदम सुंदर, देखो क्या कमी है, कितनी स्मार्ट हो तुम तो मैं भी ढूंढ लूंगी दो चार। अच्छा राधा, मैं चलती हूँ। अरे 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 टीना, सॉरी सॉरी, वो इन बातों के चक्कर, उस चंडौली के चक्कर में भूल गई, तुझे चाय बनानी थी, चल मैं चाय बना। अरे नहीं नहीं, चाय मैंने बहुत पी ली, अब नहीं पीनी, मेरा थोड़ा मन नहीं है ना इसलिए। अच्छा। मैं थोड़ा, मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। चलो चलो, मैं दरवाजे तक चलती हूँ। ठीक है, बहुत परेशान हूँ, फिर भी पता करना उस चांदनी की, तो हैजा हो जाए, कैंसर हो जाए, मर जाए, कुत्ते की मौत मर जाए। अरे नहीं नहीं, इतनी बद्दुआ क्यों निकाल ली बिचारी के लिए? वो बिचारी है, तुम्हें बिचारी लगती है वो? नहीं नहीं, मुझे लगती नहीं है, मैं बात कह रही हूँ इसलिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा चल, हाँ ठीक है, पता चले तो मुझे बता देना फोन। ठीक 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 है। आ गए? मैं तो अखबार पढ़ रही थी, सोच रही थी सर कहीं ट्रेन व्रेन से कट के कहीं पड़े ना हो। कैसी बात कर रही है, तुझे थोड़ा सा भी लिहाजा है या नहीं? इधर दो बैग, बाथरूम में जाओ, जल्दी फ्रेश हो जाओ, नहा धो के, और बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, मैं टिफिन तैयार कर रही हूँ, जल्दी जाना बाथरूम में।
पहली तारीख है ना आज, इसलिए नागिन रंग बदल रही है, पता है मुझे सब। राधा राधा। अरे आई। हाँ बोलो। थकान हो रही है यार, कुछ अच्छी सी एक कॉफी बना दो। आज सैलरी मिलनी थी, सैलरी कहाँ? सैलरी तो मैं लाया हूँ ना। ना ये लो। कितने है? 25 है पूरे। पूरे 25 है? हाँ। अरे मैं क्या करूँगी, लेके रख लो अपने पास। ठीक है, रख लिए। हाँ? तुम तो यही चाहते हो कि मैं पैसे लूँ ना, बीवी घर में जाऊँ मैं तो बीवी मुझसे सैलरी मांगे ना, और मैं अय्याशी करूँ, एक एक दो दो तीन तीन लड़कियों के साथ में पैसा खर्च करूँ। यार थका हुआ आया हूँ ऑफिस से यार। तुम थके आ रहे आयो तो मैं यहाँ आराम कर रही हूँ, नौकर चाकर लग रहे हैं घर में। हाँ मैं भी तो सुबह से शाम तक कितना काम करती हूँ। मैंने जरा से क्या कह दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए तो जेब में रख लिए, ये घर कैसे चलेगा? 25 है ना पूरे? हाँ 25। कोई भरोसा नहीं है, मैं गिन जो लेती हूँ। पूरे 25 है भाई, मैंने बोला ना। एक पैसा कम ना होना चाहिए। नहीं है कम। चलो टीना, टीना जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से? हाँ। ये क्या तरीका? तुम्हारी बीबी की गालियां मुझे नहीं खानी। बीबी की गालियां? हाँ। कैसी गालियां? गालियां? अरे कितनी कितनी बद्दुआएं दे दी है वो तो। तुम्हारा नाम लेके दी क्या? मेरा नाम लेके नहीं दी तो? लेकिन दी तो मुझको ही ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती है गालियां। वो ऐसे ऐसे शब्द कहती है जो मैंने कभी जिंदगी में सुने ही नहीं। कीड़े कीड़े पड़ जाएंगे मेरे, कैंसर हो जाएगा मुझे, कैंसर होके मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनो, वो बिना वॉल्यूम की टीवी बजने दिया करो ना। बजने दूं? इतनी बद्दुआएं मुझे लग रही हैं, कीड़े मेरे पड़ रहे हैं और मार मुझे रही है वो, जिंदगी को मार रही है मुझे। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और अभी से मैं मरना नहीं चाहती। करना क्या है भाई? करना क्या है, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ, उसके ही बन के रहो। क्या? ओके? अरे मेरा क्या होगा? मुझे फंस रखा है, मुझसे जब से प्यार करते हो 3 साल हो चुकी है। प्यार तो यार अभी भी करता हूँ ना मैं कब मना कर। प्यार? ऐसा प्यार? मैं तब रहूंगी या तो चंडालिनी वो रहेगी जब मैं रहूंगी, उसको तलाक दो तब मैं शादी करूंगी। हाँ वो तलाक मुझसे लेगी नहीं, हमारी शादी हो पाएगी नहीं। तुम उसको तलाक दोगे? दूंगा। हाँ लेकिन कैसे? कैसे मुझे क्या पता कैसे, पहले नहीं सोचा तुमने? चलो मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे। क्या सोचते हो तुम? मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, नहीं सुनना, और छोड़ो मुझे। तो ये सब चल रहा है, आज पकड़ ही लिए। ए ओ कुत्ते, इधर आ उल्लू के पट्टे, इधर जा घर आ। और तूने तो मेरे भरोसे को तोड़ दिया। हाँ आज रंगे हाथों, अगर मैं यहाँ किसी बहाने से नहीं आती तो मैं ये सब नहीं देख रही होती। हाँ क्या ये सब? अरे वो तुम्हारी ही बातें बता रहा था। अरे चुप, एक औरत होगी, एक औरत के घर में आग लगाती है, मैं अपना समझ के तुझे सारी बातें बताती रही और तू चुपचाप सुनती रही। मुझे कल ही शक हो गया था तुझ पे। क्या शक हो गया था? हाँ मुझे शक, क्या शक हुआ? जब मैं उस लड़की को गाली दे रही थी तो तुम जो मुंह बना रही थी कि बिचारी बिचारी बिचारी। हाँ, तो क्या थी? थी? हाँ मैं ही थी, मैं ही थी। बोलो ओहो, उसको बेचारे को चैन नहीं लगने देती हो। अच्छा, अरे खाना तक नहीं खाने देती हो, सोने तक नहीं देती हो। अच्छा, 2 मिनट को सब प्यार नहीं देती हो तो तुम्हें वो क्या करेगा? तो तुम लपकोगी मेरे पति को, उसको प्यार नहीं मिलता घर में। जब उसे घर में प्यार ना मिले तो वो बाहर ही जाता है। ओ और तुम जैसी लड़की तैयार बैठी हो दूसरों के हस्बैंडों को लपकने के लिए। कोई किसी को नहीं लपकता। जब घर से इंसान अगर दुखी हो जाता है ना तो वो बाहर ही जाता है। अच्छा हाँ, तो वो दुखियारा तुम्हारे पास आता होगा? हाँ वो मेरे तो पास कैसे सहलाती होंगी, गोद में लेके? हाँ सहलाती हूँ। अच्छा अपने माँ बाप को बताया है? खूब बताया कि किसी के घर में आग लगा रही है। हाँ अरे धोखेबाज औरत, तू तो मेरी सहेली बन के ही मेरे छुरा भोंक रही थी कमर में। मैं किसी की सहेली नहीं बनी। और हाँ तुम्हारी शादी से पहले मैं राज को प्यार करती थी। क्या? हाँ कॉलेज टाइम से। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब तुम ही वो टीना थी? हाँ मैं ही थी वो टीना। तो शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं क्यों शादी नहीं की? उससे बोला था। अच्छा लेकिन उस पे वेट नहीं हुआ। मैंने बोला मैं पढ़ाई के बाद मैं शादी करूंगी, लेकिन
उसके माँ बाप ने कहा उसको जल्दी थी, तो अभी वो शादी करे शादी करे। अच्छा तो अब क्या हुआ, अब ऐसी कौन सी आग लगी पड़ी है? ये हुआ कि मैं तो उसकी जिंदगी से चली जाती। अच्छा लेकिन तुमने उसकी जिंदगी में आके एक वो कहते हैं ना खोला खोला खुल दिया। अच्छा अच्छा उसकी जिंदगी नरक बना दी। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरत को, शर्म शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो पति को पति नहीं समझती। तुमने क्या किया उसके लिए? उसके माँ बाप भाई बहन सब छोड़वा दिए। ओ परिवार में कौन छोड़ा है तुमने? एक तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे पास पड़ा रहता है। क्या चाहती हो तुम? सिर्फ पैसा, तुम्हें पैसे चाहिए, पति नहीं चाहिए। ये राज ने बोला होगा तुम्हें, पट्टी पढ़ाई होगी राज ने। पट्टी नहीं, खुद अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है। ओफ तो तुम उसकी जिंदगी कोई नहीं तो तुम तो हो। हाँ हूँ मैं। तुम्हें उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं आते? सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। हाँ। उसको शर्म नहीं आती, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको अपने बच्चे को रोना धोना शर्म नहीं आता? नहीं आती है कि तुम उसे एक मिनट चैन नहीं लगने देती हो? चैन नहीं। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे झगड़े के बाद ना वो मरने जा रहा था, एक मैं ही तो जो मैंने उसको बचाया। ओहो आप तुम विधवा होती? अच्छा अच्छा ये तुम्हारे मांग में सिंदूर है ना, ये भी नहीं होता। जब तुम खुद पत्नी बनोगी ना और छुप छुप के तुम्हारा पति किसी से अफेयर चलाएगा और छुप छुप के मैसेज और कॉल करेगा जब तुम्हें पता चलेगा, और दो दो बच्चे पैदा करना मेरी तरह जब बताऊंगी तुम, और जब मुझसे बात करना टक्कर लेना जब आकर। अफेयर तो वो तब चलाएगा ना तब उसे घर में प्यार नहीं मिलेगा। अरे उसकी तो बुला उसको, अगर बीवी उसको प्यार दे ना तो पति उसका। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, उस उल्लू के पत्थर को बाहर निकाल, वो छुपा बैठा ना घर में, निकाल उसको बाहर। निकालती हूँ राज, और आज बाहर निकल आए घर में आऊं मैं। हाँ बहुत तमीज है तुम्हें तो बात करने की, है ना? तुम बोल लो तमीज से। हाँ मैं तमीज से ही बोलती हूँ। क्या कह रही है ये औरत, क्या कह रही है औरत, ये क्या कह रही है? हाँ क्या कह रही हो टीना? अच्छा मैं क्या कह रही हूँ टीना, तुम्हें यहाँ प्यार तो मिलता नहीं ना, तुम्हें चैन लगने देती है, यहाँ तक कि तुम्हें ऐसा कर देती है कि तुम मरने के लिए चले जाते हो। सवाल सवाल की बात कर, जबान संभाल के बात कर। ये इसकी वजह से बेइज्जती होगी, मेरी नहीं पकड़ेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये मेरा पति है। उफ कहाँ है, कहाँ है मंगलसूत्र, कहाँ है? शादी करूंगी मैं इससे, करूंगी। हाँ की नहीं है ना? की नहीं है। चल तू घर पे, तेरे तो घर पे बसाती हूं मैं। हाँ क्यों आज? क्यों मैं या ये, फैसला करो। कर फैसला, आज हो जाए फैसला, आज फैसला ही हो जाए, मैं भी देख लूं। राज बोलो तुम्हें किसके साथ रहना है? आज सब यही खत्म हो गया। ये क्या कर रहे हो? हेलो, हाँ शिवम। शिवम हाँ टीना के घर। अरे वो लंगोटिया यार, वो भी आ रहा है, जल्दी आ जल्दी, उसे भी देख लूंगी। बुला राज, बुलाओ। किसको बुला रहे हो? फैसला तुमको करना है। करूंगा ना भाई, थोड़ा समय तो दो। समय? हाँ। मेरे पास कोई समय नहीं है, इसको दे समय। अब मेरे पास भी कोई समय नहीं है, इसको फैसला करना है अभी के अभी, आज के आज ही फैसला होगा। सालों से इसको पालना है ना। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, रुकिए। हाँ? ये आए एक महान आदमी। अरे हाँ हाँ महान आदमी, प्रणाम। कोई प्रणाम विणाम नहीं, करो फैसला। वकील साहब आप ये क्यों आए हैं? दोनों को। हाँ? अरे हम वकील हैं, हमारे दोस्त मुसीबत में, इसलिए हम आए हैं, बताइए। मुसीबत? किस चीज की मुसीबत? ये मुझसे प्यार करता है। हाँ? और आप क्या करती हैं? पहले से ये है वो लड़की, तो पहला हक मेरा है। रुकिए रुकिए, और आप? ये है वो लड़की जिससे चक्कर चल रहा था, अब तो सब दिख गया, सामने आ गया। पूछो अपने दोस्त से। क्या पड़ी थी इसका घर बिगड़वाने के लिए? घर बिगड़वाने के लिए राज से पूछो, शादी से पहले से प्यार करती हूँ मैं इससे। अरे तो प्यार करती थी तो शादी क्यों नहीं की? शादी मैंने बोला था शादी के लिए, लेकिन राज को बहुत जल्दी मची शादी करने की। अरे इस उल्लू की पट्टी से ये पूछो, शादी से पहले करती थी ना प्यार, अब क्या झक मार रही? मेरे दो दो बच्चे हैं, मैं भी प्यार करती हूं। बीवी हूं मैं इसकी, इसकी प्रेमिका हूं। अच्छा और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? चुप करो दोनों एक मिनट के लिए चुप कर दो, नहीं तो एक एक थप्पड़ में दोनों के लाल गाल कर दूंगा। हाँ क्या पकड़ी थी तुम? क्या कहे तुमने मुझे आज तक, सिवाय नफरत के? आया घर पर, आके नाश्ता दे दिया, नाश्ता भी दे दिया ऐसे दे दिया जैसे कुत्ते को रोटी डाल देते हैं। एक बार भी खाना देने के बाद ये पूछा कि तुमने दोबारा कुछ लोगे कि नहीं? क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं? आज सिर्फ पैसों के अलावा तुमने सोचा क्या है? मैं और आज तक मैं करती क्या? तुमने खुद ही इज्जत बनाई है, ये जो इज्जत है ना ये तुमने खुद बनाई है इस लड़की की वजह से, इस लड़की की वजह से। मैंने ये सब इज्जत, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ कर नहीं किया? मेरे हर वक्त माइंड में यही रहता था कि मेरा आदमी किसी और से लगा हुआ है और मेरे दो बच्चे हैं, मैं कहां जाऊंगी? अच्छा हां हां
तुम प्यार करती थी ना उससे? हाँ करती थी। इसीलिए शादी की ना? करती थी। इसीलिए शादी की ना? मती मारी गई थी मेरी, मती मारी गई थी जो तुमसे शादी। जब बच्चे 8 साल बाद समझदार हो गए तो वो प्यार कहाँ चला गया? पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, वो हक खो चुके हो, हक खो चुके हो। कोई हक नहीं है ना तुम्हारे? मैं बीवी नहीं हूँ। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं है, इस पे हक, इस पे हक जमाओ। ठीक है तो ठीक है, क्या तलाक दो, शादी करो मुझसे। वो तलाक, देखो देखो कैसी बातें मानते हैं इसकी। जाओ ना यहाँ से, मेरे बच्चों से ही मतलब नहीं है तुम्हें। हाँ ठीक है, तलाक चाहिए मुझे, तलाक, तलाक चाहिए मुझे। और तू भी सुन ले दिलवा, इससे तलाक, अब तो तलाक चाहिए ही चाहिए मुझे। 25,000 देता था ना मुझे, अब डबल देगा, 50,000 देगा, खर्चा देगा। वो दो दो बच्चे जो पैदा किए हैं ना, मुझसे पैदा कराए ना, खर्चा देना पड़ेगा। और जा इसके साथ, 2 नहीं 4 पैदा कराना इसके साथ। आ जाना घर, देखती हूँ तुझे। राज, इस औरत को तलाक देके मुझसे शादी जल्द से जल्द करो। तू कहाँ चल दिया? अरे मैं क्या यहाँ पिसूंगा, एक बात बता। अरे दोनों की दोनों, तूने कैसा पहाड़ तोड़ दिया यार। तू वकील है ना, तू सॉल्यूशन देता है ना? सॉल्यूशन देता हूँ, ये कानून की किताब में लिखा हुआ है कि दो महिलाओं के बीच में कोई भी कानून नहीं बोल सकता। और भाई तेरी बीबी एक तो तेरी बात सुनती नहीं है ना, तो कुछ कह रहे, किसी की बात नहीं सुनती वो। तो एक बात यही डिस्कस करना, जब वो तेरी नहीं सुनती, कोर्ट में नहीं सुनती, वकीलों की नहीं सुनती, तो मेरी क्या सुनती होगी? हाँ तो ठीक है ना, और इंतजार करो। किस चीज़ का? तलाक के नोटिस का। और क्या, अब देख दो में से एक को तो तुझे चुनना पड़ेगा। अगर तू सोचे कि दोनों लड्डू तेरे हाथ में रहें, ऐसा हो नहीं सकता। ये कहाँ लड्डू है यार, ये तो कड़वा करेला है, चांडाल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक, कहाँ चल रहा हूँ यार मैं, इसमें भी नहीं, इस घर में भी तो नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। ऐसा करना, तू अपने घर ले चलना मुझे। ना भैया ना, ऐसे मुजरिम को मैं अपने घर में नहीं रखता।